मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, लेकिन देश में कांग्रेस गठबंधन को अच्छा रिस्पांस मिला है। इस पर कांग्रेस ने कहा, जनता ने अहंकारी सरकार को आईना दिखाया है, भाजपा का 400 पार का सपना धराशायी हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत और देश की स्थिति पर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने भी चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत प्रवक्ताओं की बंद कमरे में बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा है, इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सर, आप मानते हैं कि जिस तरीके के दावे कांग्रेस के किए थे वो सभी आएगा? तो लगा जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ छिंदवाड़ा की जनता का पूरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश का आम नागरिक लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है। जो मोदी देश से बड़े होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये सबक है। भारतीय जनता पार्टी ने रावण से ज्यादा अहंकार कर लिया था, उसको जनता का मैसेज है, आपकी हट धर्मिता अब नहीं चलेगी। ये मैसेज है कि देश का आम नागरिक लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है। इस देश में जो मैसेज है अहंकार के खिलाफ है। अभी तक जो रुझान है, जो मोदी देश से बड़े होने की कोशिश कर रहे थे उनको सबक है। जो भारतीय जनता पार्टी अहंकार रावण से बड़ा कर लिया था उसको दो दो हाथ है। जनता का मैसेज है कि आपकी हर धर्मिता नहीं चल सकती। मैं मानता हूँ अभी शुरुआती है, जब बदलेगा अंत आएगा तो परिणाम ईश्वर चाहेगा तो देश हित में आएगा। मध्य प्रदेश में जैसा मैंने कहा 8 से 7-8 सीटें 5,000-7,000 की हार जीत पे चल रही है। हमें पता भी था कि हम 6 सीट 7 सीट 8 सीट पे बराबरी की लड़ाई है, उसी तरह का रुझान भी है। तो मैं मानता हूँ जब अंत होगा तो शायद ठीक हो। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि देश की जनता ने अहंकारी सरकार को आईना दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी का 400 पार वाला नारा ध्वस्त हो गया है, देश और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद गठबंधन को मिल रहा है। महागठबंधन की सरकार देश में बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता ने अहंकारी सरकार को आईना दिखाया है, और जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही थी कि 400 पार का नारा जो बार बार दे रहे थे वो पूर्ण रूप से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश और मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को मिलेगा। देखिए, अभी तो शुरुआती नतीजा शुरू हुआ, 1 घंटा हार्डली हुआ है, और लेकिन मुझे जिस तरह से हमने कैंपेन किया और एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस मध्य प्रदेश में खड़ी थी, मुझे विश्वास है कि हम 60 से 8 सीटें जीतेंगे। देखिए, जो इंदौर में हुआ सबके सामने है, किस तरह से तथाकथित लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास वहां किया और अन्य जगह भी किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, ये ऐसे प्रदेश है जहां पर महागठबंधन के जो हमारे प्रतिनिधि साथी हैं, पार्टियां हैं, महागठबंधन को मजबूती प्रदान हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।